स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्पण 2.0 के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डे बिगिन के बाद अगर आपको मेल ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो किस तरह से स्टार्ट करोगे। तो मेल ऑपरेशन के अंदर आपको जो टैब्स दिखाई देंगी वो है बुकिंग मॉड्यूल, डिलीवरी मॉड्यूल, बैगिंग, डिलीट ऑल डेटा, पे रोल। बैगिंग मॉड्यूल की वीडियो ऑलरेडी हमने आपसे शेयर कर दी है। इस मॉड्यूल में हम आपको डिलीवरी मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। डिलीवरी आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जो फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी वो सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। टोटल 8 आइकन्स आपको यहाँ मिलेंगे। इनवॉइसिंग ईएमओ की इनवॉइस के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे जो हमने सर्कल मार्क किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं डिलीवर ईएमओ का ऑप्शन आपको यूज़ करना है। जो ईएमओ आपके पास डिलीवरी के लिए आए हैं उनको पेड या डिस्पोज ऑफ करने के लिए। उसके बाद आता है पार्सल, इस आइकन को आप यूज़ करोगे पार्सल आर्टिकल की डिलीवरी या डिस्पोजल के लिए। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड लेटर को आप यूज़ करोगे रजिस्ट्री जो आपके पास आई है उसकी डिलीवरी के लिए। उसके बाद आता है स्पीड पोस्ट आर्टिकल को आप इस मॉड्यूल के द्वारा डिस्पोज ऑफ करोगे, चाहे वो डिलीवर हुआ है, रिटर्न हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इनवॉइस डिपॉजिट आर्टिकल, जो आर्टिकल आपके पास डिपॉजिट में रखे हैं प्रीवियस डे यानी मतलब पिछले दिन के, उन आर्टिकलों को आप डिस्पोजल इनवॉइसिंग के बाद ही कर सकते हो। उसके बाद आता है बल्क डिलीवरी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको यूज़ करना है। जैसे कि जो बैंक्स होते हैं उनके अगर आर्टिकल आपके पास आते हैं तो बल्क में एक ही बार में आप सारी डिलीवरी कर सकते हो। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो है एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट का। इस ऑप्शन में जाकर आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, पार्सल, ईएमओ, इन सब की एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देख सकते हो। अब हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक ऑप्शन को फुल डिटेल में। एक ओवरव्यू होने के बाद अब हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में एक एक आइकन जो आप क्लिक करोगे। सबसे पहला है इनवॉइसिंग ईएमओ। जब भी आपके पास कोई ईएमओ डिलीवरी के लिए आएगा तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। इस ऑप्शन से आप ईएमओ जो है पेमेंट के लिए जो आया हुआ है उसको इनवॉइस करोगे। उसके बाद आता है डिलीवर ईएमओ, इस ऑप्शन में आप उस ईएमओ की डिलीवरी का कंफर्मेशन करोगे। पार्सल रजिस्टर लेटर और स्पीड पोस्ट, ये तीनों आइकन आपको पार्सल रजिस्टर लेटर और स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए दिए गए हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे आपको आर्टिकल नंबर, एड्रेसी नेम, ये सब कुछ ऑप्शन दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। उसके बाद आपको क्लिक करना है ताकि आप उनकी रिटर्न कलेक्ट कर सको। अगर आपको वो आर्टिकल डिलीवर करना है तो उसके लिए आप उसको डिलीवर शो करोगे। यहाँ पर आप देखने वाली बात ये होगी कि आर्टिकल की डिलीवरी डेट, टाइम और लोकेशन कैप्चर ज़रूर होगी। हर एक आर्टिकल के लिए ये डाटाबेस बनाया जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे सबमिट बटन पर। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे इस आर्टिकल की डिलीवरी कन्फर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको डिलीवरी की जगह अनडिलीवर्ड आर्टिकल मार्क करना है तो आप उसमें से रीज़न जो है वो सिलेक्ट करोगे। वैलिड रीज़न ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ही आर्टिकल को आप सबमिट कर सकते हो ताकि उसका अनडिलीवरी का रिमार्क प्रॉपर अपडेट हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जो है इनवॉइसिंग डिपॉजिट आर्टिकल। इनवॉइसिंग डिपॉजिट आर्टिकल तब काम आएगा अगर प्रीवियस डे के आर्टिकल आपके पास पड़े हैं जिनको आपको इनवॉइस करना है पोस्टमैन को ताकि वो डिलीवर हो सके। इस मशीन में ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑप्शन डिपॉजिट आर्टिकल के लिए नहीं है, ना ही आप कोई विंडो डिलीवरी जैसा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जो SAP के अंदर होता है। डिपॉजिट आर्टिकल डिलीवर तभी किए जा सकते हैं जब वो पोस्टमैन को इनवॉइस हो रखे हों। इसके बाद हम ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं बल्क डिलीवरी का। बल्क डिलीवरी ऑप्शन के अंदर आप रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, पार्सल, ये सब बल्क में ही डिलीवर कर सकते हो। मेनली ये बैंकिंग या अदर कस्टमर्स के लिए हो सकता है। सबसे लास्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट का। इस ऑप्शन में आप देखोगे कि जो आपके पास टोटल आर्टिकल आए हैं, टोटल आर्टिकल जितने आपने डिलीवर करे हैं और जितने आर्टिकल आपने डिपॉजिट में रखे हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उनका एक टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह आपको सारे ऑप्शंस डिलीवरी सर्विसेज के बता दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।